हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल इम्तियाज़ ब्लॉग्स। हम एक सिम कार्ड लिए हैं मोबाइल का, वो सिम कार्ड बंद हो गया है, तो उसी को हम चेक करने जा रहे हैं मोबाइल के ऑफिस में, वो क्यों बंद हो गया है। दो दिन पहले ही लिए हैं सिम कार्ड, अनलिमिटेड नेट का सिम कार्ड है, वो मैं लिया था, वो बंद हो गया है। देखिए, ये नेट का सिम कार्ड था, राउटर भी साथ में दिया, तो इसका मैं सब कुछ बिल सब पे कर दिया, फिर भी ये सिम कार्ड बंद हो गया। पता नहीं क्यों बंद हो गया है, तो मैं जाकर चेक करता हूँ। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ क्यों बंद हुआ है सिम कार्ड भी, मैं कुछ पता करूँगा आज। इतना लंबा चौड़ा लाइन लगा हुआ है मोबाइल ऑफिस में, यहाँ भी इतना रस है। ये देखिए कुछ मेरे सामने का व्यू देखिए, वो जो दिख रहा है आपको गोल है, वो किंगडम टावर है वो। ये देखिए कुछ ऐसा बिल्डिंग है, वो एक होटल है, मैं अभी दिखाया हूँ लास्ट वीडियो में आपको भी। पंद्रह मिनट से लाइन में खड़े, अभी तक लाइन में पहुंचे नहीं। यहाँ पे अभी देखिए कितना भीड़ है, सही है। ये लोग सब ये सिम कार्ड लेने के लिए भी खड़े हैं। यहाँ पे सिम मिलता है 30,000-50,000 का, और इसके अंदर अफसर मशीन भी है, तो आप सिम कार्ड लीजिए अपने नाम पे और फिंगरप्रिंट भी कराइए अफसर पे। फाइनली 15 मिनट के बाद अंदर आ ही गए, ये है मोबाइल का ऑफिस। फाइनली सिम एक्टिवेट हो गया। चलिए बताता हूँ गाड़ी में क्या हुआ, क्या प्रॉब्लम हुआ था सिम कार्ड में। तो सिम कार्ड एक्टिवेट हो गया, कुछ प्रॉब्लम नहीं था सिम कार्ड में, बिल सब सब पेड था। मसला ये था, जो हमने नया सिम कार्ड लिया था उस सिम कार्ड को हमने डायरेक्ट डाल दिया राउटर में। उसमें होता क्या है, अगर आप सिम पोस्ट पेड सिम कार्ड न्यू लेते हैं तो आपके पास वेरिफिकेशन कॉल आता है, उसको वेरीफाई करने के लिए कि आप ये सिम कार्ड आप ही ने लिया है, तो उसको वो वेरीफाई करते हैं। तो मेरे पास कॉल आया था, तो मैं उसको आंसर नहीं कर पाया, इसलिए वो सिम कार्ड। स्पेशली आप जो वीडियो आप सऊदी से देख रहे हैं, आप लोग जो सऊदी में सिम कार्ड खरीदते हैं, ओपन मार्केट कहीं भी जाके सिम कार्ड खरीद लेते हैं, बथा से कहीं से भी खरीद लेते हैं, वो किसी और के आईडी पर रजिस्टर्ड होता है, वो आपको सिम कार्ड दे देता है। जब भी सिम खरीदे तो जो ऑथराइज एजेंट है उस कंपनी का, उसी कंपनी का सिम ले, और उसी बंदे से ले, कोई भी ओपन एरिया से मत ले, नहीं तो वो एक तरह से वो अलीगल सिम कार्ड हो जाएगा आपके नाम पर। अब यहाँ सिम का काम खत्म हो गया, चलिए अब आगे देखते हैं अब आगे क्या है। तो आज फिर से कंप्यूटर मार्केट में आए हैं, सामान लेना है, एक हार्ड डिस्क लेना है, एसएसडी हार्ड डिस्क। SSD हार्ड डिस्क लगाने से क्या फ़ायदा होता है, उससे क्या होगा, मैं आपको बताता हूँ कुछ देर में, बने रही वीडियो में। बस सही माइक, अच्छा माइक तुम्हारे पास है? अच्छा माइक, ओके, हाँ सही। तो आप देखिए ये है SSD WD ग्रीन SSD हमने लिया है, 130 रियाल का है, 240 GB का है, अच्छा है ये। अगर आपका लैपटॉप या कंप्यूटर अगर स्लो चल रहा है तो आप उसमें जो आपका नॉर्मल हार्ड डिस्क है उसको निकाल के ये हार्ड डिस्क लगा देंगे तो आपका कंप्यूटर थोड़ा फास्ट चलेगा, अच्छा चलेगा। और जो आप जब कभी कंप्यूटर बूट होता है या रिस्टार्ट होता है, टाइम लगता है बूटिंग करने में, तो वो भी बहुत फास्ट हो जाएगा आपका, ठीक है। अगर आपका ऐसा कुछ प्रॉब्लम हो रहा है तो आप भी ट्राई कीजिए इस हार्ड डिस्क को। तो सिम कार्ड भी एक्टिवेट हो गया, हार्ड डिस्क भी ले लिए, अब जा रहे हैं वापस ऑफिस फिर से, अब वहाँ जाके चेक करेंगे सिम कार्ड भी एक्टिवेट हुआ कि नहीं हुआ। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ 5G राउटर कैसा होता है और वो कितना स्पीड देता है नेट का, कितना स्पीड होता है यहाँ पे, क्योंकि कल इंडिया में फर्स्ट एयरटेल कंपनी ने कल 5G लॉन्च किया है हैदराबाद में, वहाँ पर वो टेस्टिंग कर रहा है 5G का। हो सकता है कि फ्यूचर में मे बी 6-7 महीने में इंडिया में भी 5G अच्छी तरह से आ जाएगा सब जगह। देखिए ये है हवावी का 5G राउटर, इस पर करते हैं सिम इंस्टॉल। ये देखिए 5G है, ये चेक करते हैं नेट चलने चल रहा है। देखिए इसमें लगता है नैनो सिम कार्ड, जो मिडिल में है ना ये वाली, ये लगती है नैनो सिम कार्ड इसमें। देखिए जो डायरेक्शन दिया गया उसी तरह से सिम लगाएंगे तो सिम खराब हो जाएगी आपको। तो सिम लग चुका है इसमें, ये देखिए ये बगल में जो है ये रीसेट बटन है, अगर बाई चांस कभी पासवर्ड भूल जाते तो इसे कर सकते रीसेट आप। देखिए राउटर ऑन हो चुका है, सिम भी ऑन है, देखिए 5G सिग्नल आ रहा है, 4G आ रहा है, और ये नीचे जो है वाईफाई का सिग्नल है। चलिए अब चेक करते हैं इसका स्पीड टेस्ट चलता है नहीं चलता है।
तो अभी आप जो देखे वो मोबाइल का स्पीड टेस्ट था, जबकि वो मेरा सिम कार्ड 4G सिम कार्ड है, वो 5G पैकेज भी नहीं है। हमने सिर्फ उस सिम कार्ड को 5G राउटर में लगा कर चेक किया, तो अभी उसका स्पीड आ रहा है 432 Mbps डाउनलोडिंग और अपलोडिंग 5.25 Mbps के आसपास है। तो आज आपने SSD हार्ड डिस्क देख लिया, 5G राउटर देख लिया। उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो अच्छा लगा है। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को जरूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। देखने के लिए शुक्रिया। मां सलाम, गुड बाय, टेक केयर, बाय बाय।